नमस्कार, मैं चौधरी असमान, स्वागत है आप सबको बोल्ड एंड लाउड शो। दोस्तों, असम में चल रहे एनआरसी ऑपरेशन के संदर्भ में हमारा इस खास चर्चा में हमारा पहला विषय था असम में ही एनआरसी क्यों हो रहा है। इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हुए हमने पिछले एपिसोड में 1901 से 2011 तक का सेंसस रिकॉर्ड और असम आंदोलन के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया। आइए दोस्तों, इस संदर्भ में आज बाकी बातों का चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस साल 31 जुलाई को एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आशु के नेताओं ने जम के खुशियां मनाई। ঐতিহাসিক মুহূর্ত আর এই মুহূর্ত আমি পুনপ্রথমে আন্দোলনের জাতীয় শহীদ সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো। শহীদের পরিয়ালবর্গক আমি শ্রদ্ধা জানাইছো। নির্যাতিত ব্যক্তি আর সমূহ জনসাধারণক আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো, কারণ জাতীয় শহীদ সকলের চরম ত্যাগ, নির্যাতিত ব্যক্তি সকলের ত্যাগ, জনসাধারণের ত্যাগর পিছত যা 38টা বছরীয় দীঘলীয়া সংগ্রামের পিছত আজি চূড়ান্ত খসড়া রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর প্রকাশ পাইছে। जरा सोचिए दोस्तों, आशु के नेताओं ने जो जश्न मनाया था, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि इन लोगों की दिमाग में भूसा भरा हुआ है, या ये लोग दिखावे के लिए झूठ मूठ की खुशियां मना रहे, या ये लोग कोई गलतफहमी का शिकार है? ऐसी जश्न का क्या मायने है जो कठपुतली की तरह नाचने के लिए मनाया गया हो? फिर भी अगर कोई अचीवमेंट मिलता तो बात अलग था, लेकिन यहाँ तो बात ऐसी है कि खाया पिया कुछ नहीं और गास गास थोड़ा भरा। दोस्तों, असम में बरसों से मुसलमानों के ऊपर हो रहा अत्याचार को हथियार बना के मुसलमानों की जख्मों पर मरहम लगाने के बहाने ऐसे बहुत सारे नेता और राजनीतिक दल हैं जो राजनीति के मैदान में अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि संघ द्वारा गठन किया गया भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की आड़ लेकर बरसों से देश की सत्ता को हथियाने की कोशिश की और आखिर तक वो कामयाब भी हो। इनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ मुसलमानों को बलि का बकरा बना के और देश के हिंदुओं को बेवकूफ बना के ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े। लेकिन बीजेपी को छोड़ के ऐसे और भी राजनीतिक दल है जो धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां सेक रहे। दोस्तों, सन 2005 के 2 अक्टूबर को असम के एक जाने माने इतर वेबसाइट मौलाना बदरुद्दीन अजमल के अगुवाई में असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम के डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक राजनीतिक दल का गठन होता है और 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दिया जाता है। हालांकि इस पार्टी का गठन किया गया था समाज के दबे कुचले अधिकार वंचित लोगों की भलाई के लिए और उन दबे कुचले लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए। इस दल का गठन होने के बाद असम के मुसलमानों को लगा था कि ये पार्टी उन लोगों की रहनुमा बन के आई है और अब असम के मुसलमानों को जिल्लत भरी जिंदगी से ये पार्टी राहत दिलाएगी। इसी कारण जब इस पार्टी ने पहली बार 2006 के असम विधानसभा निर्वाचन में महज कुछ सीटों में कॉन्टेस्ट किया तो इस पार्टी को पहली बार में ही बड़ी कामयाबी के साथ 10 सीट मिली थी। उसके बाद 2011 में इस पार्टी को कुल 18 सीटें मिली। 2016 में मोदी लहर के बावजूद भी AIUDF को कुल 13 सीटें मिली थी। दूसरी ओर असम के 15 लोकसभा सीटों में से AIUDF ने पहली बार 2009 में कुछ सीटों में अपना कैंडिडेट देकर निर्वाचन में हिस्सा लिया था और पार्टी को 1 सीट मिली थी। उसके बाद 2014 में AIUDF को 3 सीटें मिली थी। आज इस पार्टी को गठन हुआ 13 साल हो गया, लेकिन जो स्लोगन इस पार्टी की फॉर्मेशन के वक्त दिया गया था कि इस पार्टी का गठन समाज के दबे कुचले लोगों, कुचले अधिकार वंचित लोगों की भलाई के लिए बनाया गया, वो स्लोगन आज राजनीति के महाकुंड में कहीं खो गया। दोस्तों, 2008 में इस पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 1983 में असम के नौगांव जिले की नैली के नरसंहार पर
इस पार्टी की तरफ से कोर्ट में PIL फाइल किया जाएगा। लेकिन आज तक इस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जिस इंसान की अगुवाई में इस पार्टी का गठन हुआ था, उस इंसान मतलब मौलाना बदरुद्दीन अजमल, वो भी उसी नेली गांव के पास के ही रहने वाले, जहां फरवरी 1983 में नरसंहार हुआ था। उस पार्टी की तरफ से आज तक एक बार भी असम लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशन के दौरान नेली के संहार पर कोई बहस नहीं किया गया। खास करके आज असम के मुसलमानों को भी इस पार्टी के प्रति भ्रम टूटता दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं। वोटर्स हियर लाइक मेनी अदर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज इन असम had voted for AIUDF in the last two elections. It's a party that claims to represent the minorities in Assam. AIUDF ke amra vote dichi vote dei ML MP banaisi ase 10 bochor holo amader ML hoyse Bosir ar amader MP hoyse Badruddin Azmal aaj porjonto amar je eta 2012 sale jete gondokhol holo না দেখতে আসছে না কি কোনো একটা সুবিধা দিচ্ছে না কোনো একটা ক্যাপাসিটি করছে, খালি যখন ভোটের টাইম হয় তখন কয় আমার 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 মানুষজনই মানুষ আমার ভোট দাও। এনআরসি যাতে আছে আঙ্গরে 71 শূন্যের আছে, 61 শূন্যের আছে, 51 শূন্যের আছে, এনআরসি আছে আমরা আমার কেরম করে আমরা বাংলাদেশি হইলাম, আমরা যে লঙ্গি পরে থাকি গামছা পরার লোক আমরা বাংলাদেশি। বাংলাদেশি বলতে যদি কেউ আছে আমার তার বিরোধী, কিন্তু যারা প্রকৃত এই দেশের নাগরিক, যারা এনআরসি তে প্রকৃত নাম আছে, ডকুমেন্ট আছে, তারা কি করে বিদেশি হইতে পারে? তারা বহিরাগত কিছু তো হইতে পারে না। বাংলাদেশি খালি শুধু কি মুসলিম? আপ লোগো কি জানকারি কে লিয়ে বাতা দি, নেলি কে নরসংহার কে বাদ তৎকালীন আসাম সরকার কি তরফ সে এক ওয়ান ম্যান কমিশন কা গঠন কিয়া গয়া থা, জিসকো তিওয়ারি কমিশন কে নাম সে জানা জাতা। तिवारी कमीशन ने 1984 के मई महीने में असम सरकार को 547 पेज के एक रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन आज तक तिवारी कमीशन के रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन नहीं किया गया, बल्कि उसको दबा दिया गया। असम को शांत करने की दिशा में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पहल के कारण 14 अगस्त 1985 में भारत सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच असम एकॉर्ड साइन होने के बाद उसी साल 13 और 14 अक्टूबर को असम के गुलाघाट जिले में आशू के एक कन्वेंशन में असम गण परिषद दल का गठन होता है, और फिर उसी साल मतलब 1985 की असम विधानसभा निर्वाचन में एजीपी ने हिस्सा लिया और उनको बहुमत भी दिया, और आशू के प्रेसिडेंट रह चुके प्रफुल्ल कुमार महंत असम की पहली यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। असम गण परिषद ने असम में दो बार सरकार बनाया, पहले 1985 में जो 1985 से 1989 तक रहा, और दूसरी बार 1996 से 2001 तक। दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना हम भूल गए थे, नेली जो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, इस एरिया के कुल 14 से 15 गांव को 18 फरवरी की सुबह चारों तरफ से घेर के तकरीबन 6 घंटा तक लोगों को मारा गया, काटा गया, उन लोगों के घर द्वार जला दिया गया। उस नरसंहार के बाद पुलिस ने कुल 688 केस रजिस्टर किया था। हालांकि तिवारी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को ऐसा घटना होने का पहले से अंदाजा था, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया और इन आतंकियों को ऐसी घटना को अंजाम देने का भरपूर स्कोप दिया। खैर असम गण परिषद ने असम में सरकार बनाने के बाद नेली नरसंहार में रजिस्टर किया गया 688 मामलों में से सिर्फ 299 मामला का ही चार्जशीट दिलवाया था, लेकिन बाद में उन मामलों को रफा दफा कर दिया गया और बाकी मामलों को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ उस नरसंहार में क्षतिग्रस्त लोगों को
प्रति परिवार 5000 रुपया और घर बनाने के लिए दो बंडल सीआई शीट जो ऊपर में टीना लगता है सीआई शीट दिया गया था। दूसरी तरफ तथाकथित आसाम आंदोलन में पुलिस फायरिंग या किसी और कारण से आशु के जिन लोगों की मौत हुआ उनके हर एक परिवार में लाखों रुपया और हर घर में से एक आदमी को एक इंसान को एक सदस्य हर घर का एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिया गया था। सुबह 7 बजे चारों तरफ से मानो आता है आकर के चारों तरफ से जब हमारा गांव में मानो रुक गया तो पूरा बस्ती जला दिया। तुम लोग कहाँ जाएगा सब पत्थर में चला गया एक जगह में सब जमा हो गया तो पूरा गांव सब जला दिया। पीछे आदमी लोग को पत्थर में जब चला गया है तो आदमी लोग को आदमी जो लोग आया है उग्रपंथी मारने के लिए उन लोग हम लोग के ऊपर हमला दिया मारा है। तो मारते मारते धोए सुबह 9 बजे से आदमी मारता है 3 बजे तक। अच्छा 3 बजे तक मैंने आदमी मारता है दौड़ाता है मारता है 3 बजे का पीछे जब आर्मी आ गया तो लोग भागा है। हमारा घर में हमको 2 लड़का मर गया। अच्छा बेटा 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 लड़का तो मर गया। हमारा माँ भी मर गया हमारा भाई का दो मर गया और हमारा भतीजी मर गया 5 आदमी मर गया हमारा घर। बुरा आदमी है लड़का बच्चा है उन लोग को जाने नहीं सकता है उन लोग को बेसी मार दिया ये ऐसे घटना। तो हम लोग को मार के एजीपी सरकार हुआ है तो उन लोग को 30,000 रुपया करके दिया है तो उन लोग हम लोग को मारा है उन लोग को। अच्छा जो मारे उनको जो लोग हम लोग को मारा है उन लोग को एजीपी सरकार 30,000 रुपया दिया है मारने के लिए हम लोग को मारने के लिए। अच्छा और एक प्रत्येक घर में एक करके नौकरी दिया है। क्या करेगा और माँ मर गया परिवार मर गया लड़का मर गया ऐसी हालत में रहता है और क्या करेगा। हम लोग उस टाइम में हमारा 8 गांव में प्राय करीब 9,000 आदमी थे। 9,000 आदमी को कम से कम 40,000 आदमी घिर लिया। अच्छा घिराव कर लिया। हाँ तो हमारा लड़का बच्चा जनोना जो है सब एक साथ हो गया पत्थर में। तो क्या करेगा हम लोग का तो कोई हथियार उतियार नहीं है। किसी कैसे आदमी है और बिल में खेती में पड़ के उन लोग को मार ढाला है। सरकार ने क्या दिया आपको उसको? 3 लोग आपके घर से मारे गए क्या? 5,000 रुपया दिया बस एक एक आदमी को मरने के बाद 5,000 रुपया। अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं दिया? और दिया टीना दिया 3 बंडूल और 2,000 रुपया दिया घर बनाने के लिए। क्या इसको दोहरा राजनीति नहीं कहेंगे आप? 1947 में देश आजाद होने के वक्त जिस एरिया को लेकर आसाम राज्य का गठन हुआ था वो सारी एरिया अतीत में असम का पार्ट नहीं था। इस संदर्भ में हमारा अगला एपिसोड हमारे अगले आने वाले एपिसोड में हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। फिर यहाँ हमने जो जो बातें बताया ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड जिसका हमारे पास प्रूफ भी है और किसी भी चैलेंज का सामने करने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने राज्यसभा में कहा था असम में जो NRC हो रहा है ये असम एक्ट के कारण हो रहा है और उन्होंने स्वर्गीय राजीव जी के तरफ उंगली उठा के ये बात कहा था। मतलब एक तरह से अमित शाह जी ने इस बात को कहकर ये साबित करने की कोशिश की कि अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी असम एक्ट साइन करके असम में संघ द्वारा फैलाया हुआ आग को शांत ना करते तो आज तक असम जल रहा होगा। इसलिए यहाँ हम अमित शाह जी के इस बात का समर्थन करते हुए अमित शाह जी के साथ हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की इस कदम का सराहना करते हैं और तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों इस संदर्भ में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं आप हमें गाली दें या कुछ भी कहें हमें कोई ऐतराज नहीं क्योंकि अक्सर ये दिखाई देता है कि सच सुनने के बाद जिनकी स्वार्थ पे सच भारी होता है वो लोग बौखला जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है किसी की स्वार्थ पे ये सच भारी पड़ जाए और हुए वो जिसका जिसके ऊपर ये सच भारी पड़ेगा वो मुझे गाली भी दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी एक भी कमेंट हम अपने चैनल में से डिलीट नहीं करते। लेकिन एक विनती जरूर करना चाहूंगा आप लोगों से जो कुछ भी हमने कहा इस विषय में दिल से नहीं दिमाग से सोचिए और फिर फैसला लीजिए कि हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। दोस्तों इतिहास की ऐसी जानकारी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण को
लोगों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि देश के लोगों में जागरूकता बढ़े और लोगों के मन में पनप रहे गलतफहमियां दूर हो जाए। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और पहचान वालों से सब्सक्राइब करके और करवा के ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट आप लोगों को साथ साथ मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। आपने अपना वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।